ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है, सिस्टम किसने बनाया, पीपल्स पार्टी का कारनामा है। देखिए टीचर करप्शन करना पीपल्स पार्टी का कारनामा है। मुदारा करते थे कि हमने नौकरियों के लिए रिश्वत दिया है, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। निहाल सर प्रेस क्लब में डॉक्टर्स भी कहते थे, नर्सेस भी कहते थे, आई एम आस्किंग यू अगेन, ये करप्शन, ये सड़कें तोड़ना, ये कब्जे, ये सारा पीपल्स पार्टी का चार्ट है जो भी आपने बताया हमें। जी ये तो कराची के हर बच्चे को मालूम है, कराची में आप घूम जाएं, अरे वाह निहाल साहब वाह। और उसके बाद, इसके बावजूद 16 माह के अंदर इत्तेहाद कर लिया लोगों के साथ। देखिए मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब ने इतराफ की जुर्म खुद ही कर लिया है, और वो ये कहता था कि बशीर मेमन साहब से मैं सालों से रबते में था, सियासी डिस्कशन हो रही थी। तो बात ये कि एज ए डायरेक्टर जनरल एफआईए आप सालों से रबते में थे, तो आप क्या काम ले रहे थे उनसे, वो भी सबके ऊपर वाजे हो गई है। निहाल साहब कब रिटायर हुए? चार साल पहले रिटायर हुए। कब हुए रिटायर बताए ना, कब हुए रिटायर? नहीं 2021 में नाज़रीन, नवाज शरीफ डील करके आया है ये तो सब जानते हैं, मगर आज नून लीगी निहाल हाशमी की ज़बान फिसल गई और निहाल हाशमी ने खुद ही इकरार कर लिया कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रबते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल और पीटीआई के समझौता साहब ने निहाल हाशमी नून लीग की हकीकत को आवाम के सामने ले आए और निहाल हाशमी को कादर मंदोखेल ने खूब बेइज्जत किया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साहब आज मुस्लिम नून सिंध के सदर बशीर मेमन साहब को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई, ऐलान किया गया। हम चेक कर रहे थे 29 सितंबर को उन्होंने मुस्लिम नून को ज्वाइन किया, 7 नवंबर को मुस्लिम नून सिंध का उन्हें सदर बना दिया गया। सर बड़ी तरक्की की तेज मनाजिल तय होती है आपकी पार्टी के अंदर, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भी तरक्की कर रहे हैं। बात सारी है कि हर किसी को तरक्की का हासिल है। मैं आज तक एक महीने में कभी भी किसी इदारे का सदर नहीं बन सकता। अच्छा आप सुन तो लेना, बशीर मेमन साहब हमारे साथ कई सालों से रबते में हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके जब टेन्यूर पूरा हो गया तो हमारे साथ रबते में रहे, हमारे साथ मैं खुद जाती तौर पर उनके साथ मेरा रबता रहा है बेशुमार बार, और हम सिंध की पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहे। मेरे जमींदार तो है नहीं, वो वर्किंग क्लास के आदमी है, तो पाकिस्तान की सियासत में वर्किंग क्लास का होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के आप देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान से जहाँ पे वडेरा कल्चर है वहाँ पे एक अगर डाउन टू अर्थ आदमी और एक वर्किंग क्लास का आदमी आता है तो इसमें कोई मजाक नहीं, और हमारी क़यादत जिसको मुनासिब समझती है उसे मुंतखब करती है। कराची से जब एक मिनट सुन ले, कराची से जब यहाँ से हम गए 21 तारीख के लिए तो आपने देखा होगा कराची की रेल जो है वो भर गई, ओवरफ्लो हो गया था। 5,000 तो सिर्फ कराची से लोग गए थे, स्टेशनों पर हमारे लोगों ने पटरी पर लेट गए थे। निहाल हाशमी माधी में भी रहा है और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह जहाँ पे क़यादत मुझे महसूस, मैं आज समझता हूँ कि मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि मलिर डिस्ट्रिक्ट है, शायद मेरा भाई इसमें एहतजाज करे कादिर, मगर मलिर डिस्ट्रिक्ट के तीनों सीट हम जीतेंगे। मलिर डिस्ट्रिक्ट में मैं चाहूँगा मरियम, मेरा सवाल ये है इलाके हमारे, मेरा सवाल ये है कि निहाल हाशमी जिन्होंने तौहीन अदालत की सज़ा बर्दाश्त की, जो सेनेटर रह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ये जिम्मेदारी दी जाती, मोहम्मद जुबैर साहब उनका ताल्लुक भी इधर से ही है, कराची से ही है, इनमें से कोई इस काबिल नहीं था। एक शख्स जो बिल्कुल अभी नया नया पार्टी के अंदर शामिल होता है, ज्वाइन करता है, और वो 1 महीना 8 दिन के बाद उसको इतना बड़ा ओहदा मिल जाता है। सर ये मुझे डायनेमिक सिर्फ समझा दें, मैं तो सिर्फ ये आपसे तस्करा कर रहा हूँ, आप लोगों से वो काम क्या ऐसा काम है जो नहीं हो सका जो बशीर मेमन साहब ने करके दिखा दिया? जो काम हम कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, जो वो करते हैं वो हम शायद ना कर, मैं ये समझता हूँ तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं उनकी, दोपहर साहब नहीं उनकी तारीफ कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि उनके लिए भी कोई ना कोई काम जरूर है, हमारे लिए भी काम है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अभी मैं इस कमेटी में था जो वेलकम कमेटी थी, उसके अलावा मैं पैनल के पार्टी के पैनल के ऊपर हूँ, मैं टेलीविजन पे आकर के पार्टी के जो नजरियात है उसको आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि क्यादत बेहतर समझती है कि किससे कब क्या काम की, और ये जो है ये कैप्टन का काम है कि वो किस प्लेयर को कहाँ पर पोस्ट आउट करती है, कहाँ पर उसको प्लेसमेंट करती है, ये क़यादत बेहतर तौर पे समझती है। हर मैदान के अपने तकाजे होते हैं, आज जो 2023 का जो इलेक्शन है जो उसके तकाजे हैं वो डिफरेंट है 2018 से और 2013 से, तो आज के तकाजे के मुताबिक मेरे ख्याल से बशीर मेमन साहब बहुत फिट आदमी है। बशीर मेमन साहब ने सर मेरी नॉलेज के लिए हां या ना, जो आज तक कभी इलेक्शन लड़ा है? उनके भाई लड़ते रहे, उनके भाई ने पिछले इलेक्शन में 37,000 वोट दिया था, नसीर मेमन साहब 37,000 वोट दिया था पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, नसीर मेमन साहब ने हाला से, तो उनका उनके खानदान में और दिगर लोग सियासी खानदान सियासी घराना है उनका, उनके चाचा लड़ते रहे, उनके भाई लड़ रहे हैं। कादिर साहब मेरी इतला ये बताती है, सोर्सेज हमें बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को बशीर मेमन साहब से माजी के अंदर हिस्टोरिकली बड़ी प्रॉब्लम रही है, माजी के अंदर भी, अब मुस्लिम नून ने उन्हें सिंध का सदर बना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा मुस्तकबिल में चल के जब कोई इत्तेहाद वगैरह करेगी ये प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा ये तैनाती जो है? देखिए मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब ने इतराफ की जुर्म खुद ही कर लिया है, और वो ये कहता था कि बशीर मेमन साहब से मैं सालों से रबते में था, सियासी डिस्कशन हो रही थी।
तो गया वो एज ए डायरेक्टर जनरल एफआईए, उसके भाई ने सिंह साहब किस तरह लिए तो आपका अंदाजा हो गया था। दूसरी बात ये कि एज ए डायरेक्टर जनरल एफआईए आप सालों से रास्ते में थे तो आप क्या काम ले रहे थे उनसे, वो भी सबके ऊपर वाजे हो गई है। नहीं मैंने कहा रिटायरमेंट के बाद, वो रिटायर हो चुके थे पांच साल पहले। चार साल हो गया रिटायर, कितने कितने हुए? चार साल पहले रिटायर हुए वो। निहाल साहब कब रिटायर हुए? चार साल पहले रिटायर हुए वो। कब हुए रिटायर बताए ना, कब हुए रिटायर? नहीं 2021 में, 2021 में रिटायर हुए वो। तो ये चार साल बनते हैं 2023 में। हाँ 21-22-23 तकरीबन चार साल बनते हैं यार। निहाल साहब क्या हो गया यार, 2021-22-23 चार साल बनते हैं यार। फिर 20 में रिटायर हुए होंगे, देखे या तो फिर 20 में रिटायर हुए होंगे जब इमरान खान जैसे एक जाबी, देखे ना एक उसूल पता था, आप उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम है क्या, उनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम है क्या, उनके ऊपर कोई दीगल इल्जाम है? नहीं, अगर एक आदमी मिस्टर क्लीन है तो उसके ऊपर इल्जाम साहब ने अभी नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया। मैंने कहा आप अंदाजा कर ले उनके भाई ने सीट किस तरह जीती होगी, वो डीजीएफआईए थे, ये थोड़ी देर पहले उन्होंने इल्जाम लगाया। नहीं 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 नहीं, उनका खानदान इलेक्शन लड़ता रहा है। मंदोखेल साहब को जवाब दे रहे, बिल्कुल सही बात, मंदोखेल साहब को जवाब दे रहे। जी मंदोखेल साहब प्लीज गो अहेड। देखिए मैंने इतराफी जुर्म इस वजह से निहाल हाशमी साहब कहा कि एज अ डायरेक्टर जनरल वो सालों से उनके साथ डिस्कशन में थे और सियासी गुफ्तगू करते थे, आप इसका अंदाजा लगा ले। फिर नहीं कहा डायरेक्टर जनरल रिटायरमेंट के बाद, एज ए डीजी में कभी नहीं मिला उनसे रिटायरमेंट के बाद। अच्छा सुन ले, हौसला कर ले, निहाल भाई हौसला कर ले उनको। अरे हौसला कर ले निहाल भाई, हौसला रखें आप, डरे नहीं। बशीर मेहमान से ना घबराए, वो अच्छे आदमी है। अच्छा मैं बोलूं? आप बोलिए। अच्छा मंसूर अली खान साहब, मैं घबराहट से आपका ताला कर रहा हूं। निहाल साहब लेट हिम, निहाल साहब लेट हिम कंप्लीट, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। जी मंदोखेल साहब, एक तो ये आपके पर वाजे हो गया, जहां मंसूर अली खान साहब आपके शो में हर जगह मैं चिखता रहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रही है, ये वाजह सबूत आपके सामने आ गए। तुर्शी तोगीर शाह की शक्ल में और बशीर मेमन की शक्ल में, फवाद असर फवाद की शक्ल में, चीमा की शक्ल में, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। बाकी जो पंजाब भर में जो उनकी बोर्ड के चेयरमैन बैठे हुए वो अभी तक बैठे हुए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वडेराइज्म के बाद क्या ये ब्यूरोक्रेट एक नया मॉडल आ गया, यानी पूरे सिंध में एक आदमी निहाल हाशमी समेत साबित नहीं था कि वो सिंध का सरपंच एक ब्यूरोक्रेट को रातों रात, आपने खुद बताया महीने के बाद उसको डायरेक्टर जनरल, मगर महीने से पहले अब ये भी गिन ले उसको कमेटी के चेयरमैन कितने दिन की बात बना लिया, वो भी आप गिन ले शायद एक दो दिन की बात है। तो सवाल ये है कि आप ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल कर रहे हो पिछले 35 साल से जिन लोगों को आप ले गए, बशीर मेमन के सारे वाजे सबूत आ गए कि उसने अपने भाई के लिए क्या काम किया होगा जो 37,000 वोट लिया है। लेकिन आप हौसला रखें निहाल भाई, इंशाल्लाह ये जितने ब्यूरोक्रेट है जितने ये एमकेएम के लोग है आप साथ मिला के लग ले कर ले, तो इंशाल्लाह आप मरियम बीबी को मलीर से ना इधर NA242 से लड़ा है तो इंशाल्लाह इलाके के लोग आपको वोट की सूरत में जवाब देंगे, क्योंकि आपने न पहले कभी कुछ किए न बाद में कुछ किए, जो कुछ अच्छे में तरक्याती क्या हुई है आप अपने लोगों से पूछे, वो पीपल्स पार्टी ने किया। आज भी गली गली जब काम हो रहा है तरक्याती काम, वो पीपल्स पार्टी की सूरत में हो रहा है। सर निहाल साहब जल्दी कमेंट करना, पंचोता साहब के पास जाना जी। यकीन जाने हमने सिंध में कोई नौकरी नहीं बेची, हमने जमीनों के लिए सिस्टम नहीं बनाया, हमने सड़कें नहीं तोड़ी, हमने ठेके और टेंडर अपने लोगों को दिया, नेपोटिज्म। नवाज शरीफ को इसलिए वोट मिलेगा कि उसने शहर को अमन दिया, सिंध को डाकू राज का खात्मा किया, यहाँ पे तरक्कियाती मंसूबे किए, हमने सिस्टम नहीं बनाया, हमने करप्शन को रवाज नहीं दिया, इसलिए हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ ने जो कल्चर राज किया है ये वोट मिलेगा। थोड़ी देर पहले चार्जशीट ये किसने किया फिर, ये हाशमी साहब निहाल साहब ये सारा कुछ जो भी चार्जशीट दे रहे थे आप, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है, सिस्टम किसने बनाया, पीपल्स पार्टी का कारनामा है। देखिए ये करप्शन करना पीपल्स पार्टी का कारनामा है, मुजाहरा करते थे कि हमने नौकरियों के लिए रिश्वत दिया है, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। निहाल साहब जी प्रेस क्लब में डॉक्टर्स भी कहते थे, नर्सेस भी कहते थे, आई एम आस्किंग यू अगेन ये करप्शन, ये सड़कें तोड़ना, ये कब्जे, ये सारा पीपल्स पार्टी का चार्जशीट है जो भी आपने बताया हमें जी। ये तो कराची के हर बच्चे को मालूम है, अरे वाह निहाल साहब वाह, और उसके बाद इसके बावजूद 16 माह के अंदर इत्तेहाद कर लिया इन लोगों के साथ। देखिए सियासी इत्तेहाद और चीज है, हुकूमती इत्तेहाद और चीज है। अरे वो आए थे ना जो वो कराची पकड़ने के बाद ये चाहते थे वजीर खारजा बनना, ये सिलेक्ट करना चाहते थे वजीर खारजा, लड़काना और कराची की गली में दर्शन के लिए जाने के बाद इनसे पूछा ये क्यों आए थे नवाज शरीफ हाशमी साहब, कभी शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकता था वजीर आजम बनने की, नवाज शरीफ साहब के होते हुए ये बिलावल साहब जरदारी साहब ने वजीर आजम बनाया, ये भी याद रखें। बहुत अच्छे, शुक्र है आपने एडमिट कर लिया के जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया, थैंक यू वेरी मच। चले शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ की बात करो, लेकिन मैं हैरान हूँ इक्तदार की खातिर उसके बाद आप हमें बताते हैं कि वो कितना बुरा इंसान है। निहाल साहब नहीं हमें तो पता था ना, देखिए ना इनके सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आप बच्चे बच्चे से जाकर के पूछ लीजिए जनाब कि क्या होता रहा है यहाँ पे। चले मैं पंचोता साहब से सिंध के गलियों में जाके पूछ ले, सैलाब जदागान से जाके पूछ लीजिए, पंचोता साहब किसानों से पूछ लीजिए, मजदूरों से पूछ लीजिए। पंचोता साहब एक तो आप लोग आज स्टे लेना चाह रहे थे लेकिन स्टे नहीं मिल सका आप लोगों को साइफर केस के अंदर, और दूसरा आज एक और खबर आई कि अडियाला जेल से उसके गेट से 200 मीटर दूर एक फासले के ऊपर जो है वहां पे एक बम बरामद हुआ है। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स खान साहब के लिए पहले ही मौजूद हैं, आप लोग ओपन ट्रायल के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, ऊपर से ये सिक्योरिटी थ्रेट आना किस तरह देख रहे हैं आप, अभी भी चाहेंगे कि ओपन ट्रायल ही हो?
देखें बात यह है कि इमरान खान साहब जिस वक्त उनके ऊपर जो है वो उनके वारंट निकाले गए थे यहाँ पर, और 24 घंटे में हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ ऑपरेशन जारी किया गया कि वो जनाब अदालत में पेश हों, और उस वक्त उनको साबित वजीर आजम की सिक्योरिटी भी नहीं दी गई थी और वो अभी तक मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और उस वक्त उन्हें जबरदस्ती जो है वो पेश करवाया गया, और जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर जब वो पेश होते हैं यानी कि अदालत वहां से शिफ्ट की गई इस वजह से क्योंकि एफ8 कचहरी के अंदर आए रोज ऐसे हादसे और वहां पर वो दुकानें ओपन और वो सारा वहां पर सिक्योरिटी के कंसर्न बहुत ज्यादा थे और वहां पर पहले ऑलरेडी कत्ल भी हो चुके थे, तो जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट किया गया। जुडिशियल कम्प्लेक्स में पेश होते हैं फिर उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, FIR उनके वर्कर के ऊपर भी और उनके ऊपर भी दी जाती है, लेकिन खान साहब को बार बार पेश करवाया जाता है। जो नया कम्प्लेक्स बनाया गया है उस जगह के ऊपर भी खान साहब को पेश करवाया गया, ये तोशाखाना केस के अंदर जाकर स्टेटमेंट उन्होंने 2-2 घंटे खड़े होकर दिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। उस वक्त उनको सिक्योरिटी भी फराम नहीं की जाती थी और अपनी सिक्योरिटी के अंदर वो आते थे, और ऊपर से आपने ये भी देखा कि बोतलें फेंकी जाती थी, इस तरह के काफी इवेंट्स उस वक्त हुए। तो आज क्यों मजबूरी बनाई जा रही है? आज सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खौफ है ना कि वो आएंगे सामने, क्योंकि वो तो दिलों में राज करते हैं, तो वो फिर शायद दोबारा उस तरह से जो आज हाइप क्रिएट की गई है, लोगों को बैठाया गया, डराया गया, धमकाया गया, तो वो फिर दोबारा की इस तरह का मूवमेंट टूट ना जाए। पेश करना चाहिए जो कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, जेल के अंदर क्यों ट्रायल चलाया जा रहा है? यहाँ पर कोई जो है मुल्क दुश्मन या कोई, देखिए ना आप कुलभूषण यादव के साथ क्या सलूक है, और आप अपने सबक वजीर आजम जिसके ऊपर सिर्फ निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब एक तस्वीर, वो चौथा साहब कह रहे हैं सिर्फ उनकी एक झलक छुपाने के लिए क्योंकि वो दिलों में बसते हैं, वो नजर ना आ जाए आंखों को, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। निहाल हाशमी साहब, सर ये सियासी जमात ही नहीं है, हम सब जेल गए हैं, हमारे पूरी क्यादत जेल गई है, सालों जेल में रही है, ये चंद महीने में, चंद हफ्तों में, चंद दिनों में लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भाई अगर आप सियासत कर रहे हैं, अगर आपने सही हैं, तो आप जेल और रेल की मुसीबत तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना। ये सियासी जमात नहीं है कि हमने देखा सीरीज लग गया, इनके लोग आकर के कह रहे थे कि मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक दिन जेल में नहीं रह सकते। हमारा तो कायद कई बार सालों रहा है जेल में, ये जेलों की इतनी शिकायत करते हैं, हमने तो कभी कोई सहूलत भी नहीं मांगी। तो सियासी जमात को ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में बर्दाश्त करनी पड़ती है, और झलक देखने की बात है तो ये बात ये अपने कारकुनों को खुश करने के लिए कहते हैं। झलक नवाज शरीफ ने दिखाया 21 अक्टूबर को कि उसके एक झलक देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से मिलियंस लोग आकर के जमा होते हैं आपके शहर लाहौर में, और सब अपने आपने कराची में देखा होगा किस तरह से, जहां पे लोग कहते थे कि नवाज शरीफ का नाम लेने वाला नहीं है, पार्टी नहीं है, वहां से हजारों हजार लोग जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान जाम हो गया था। आप मेरे हर सवाल के जवाब में जिस तरह आखिर में जाके ना 70% जवाब देने के बाद जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफें करते हैं ना, मैं दोबारा हैरान हूं कि बशीर मेमन साहब को किस तरह मुस्लिम नून सिंध का सदर बना दिया गया। आप जितना खूबसूरती से काम करते हैं बशीर मेमन साहब नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं बना दिया गया। चलें ठीक है, मंदोखेल साहब ये जो पंचोता साहब फरमा रहे हैं सर, ये ज्यादती है, जुल्म है, क्योंकि आपके लीडर्स ने भी जो है वो इस तरह का जुल्म बर्दाश्त किया हुआ है माजी के अंदर, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं या जो तकलीफ जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो नाजायज़ कर रहे हैं या जायज़ कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब मेरे बुखारी पार्टी का है, गो कि हम एक दिन में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, मुझे सियासी तौर पे उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मगर बहसियत सामाजिक कारकुन आप मुझे बता दो कि एक केस में पैसों का या गबन का हो या जो भी का जिसका सबूत है या नहीं है या वो जानता नहीं जानता है वो एक अलग मैटर है, क्या उसके सर पे कपड़ा डाल के पूरे एक दहशतगर्द बना के ले जा रहे? तो ये तो और पार्लियामेंटेरियन दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, ये एक मिसाल है। फिर उसके बाद असद कैसर साहब के खिलाफ, तो ये इस तरह मैं ये कहूंगा कि आर्टिकल 10 है जो ना ये पीपल्स पार्टी के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ है, एक्सेस टू जस्टिस, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। क्या उन्हें वकला तक रसाई, क्या उसके साथ जो बाकी जो सहूलियत है आर्टिकल 10 ए के तहत वो उले? तो मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी की, आपको याद दिला दूं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पंजोता साहब और निहाल हाशमी साहब दोनों रिसर्च करके बता दे। वैसे मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी के 5 साल में आप वैसे मंदोखेल साहब, मैंने सवाल पीटीआई के हवाले से किया था, आपने अपना केस सारा फवाद चौधरी साहब के ऊपर बिल्ड कर दिया, फवाद चौधरी साहब पीटीआई में नहीं है। आपने देखा कि निहाल हाशमी ने अपनी जुबान से इकरार किया कि बशीर मेमन जो कि DGFIA हैं उनके साथ सालों से रابطے में थे। कादर मंदोखेल ने बिल्कुल ठीक कहा, बशीर मेमन जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं पार्टी को ज्वाइन किए हुए, और नून लीग ने बशीर मेमन को कराची का सदर मुंतखब कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ रابطے में है, क्योंकि निहाल हाशमी अपनी जुबान से ये इकरार कर चुके हैं। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के इकतदार में आ जाएगी या इमरान खान ही जीतेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।